लोकसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांवेर में जो आज कार्यक्रम रखा है नर्मदा जल को सांवेर तक पहुंचाने का, यह कार्यक्रम पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि खुद यही तुलसी सिलावट कमलनाथ सरकार में मंत्री थे तब वो तत्कालीन मंत्री हनी बघेल को बुलाकर सांवेर के पाल काकरिया में इस परियोजना का उद्घाटन पहले ही कर चुके हैं। तो ये दोबारा से उद्घाटन का क्या मतलब है, जनता यह जानना चाहती है। और आज जिस तरीके से 950 के लगभग बसों का अधिग्रहण करके खाद्य विभाग ने उसमें अपने पैसे से डीजल डलवा है, वो जनता के पैसों की बर्बादी है। और इस पैसे को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके खर्चे में जोड़ा जाना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, मास्क का उपयोग नहीं किया गया और सैनिटाइजर का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है, उसके कारण जो यहाँ कोरोना बम फूटेगा, सांवेर में मौतें होंगी, सांवेर के लोग संक्रमित होंगे, उसके लिए पूरा जिम्मेदार और आपराधिक लापरवाही जिला प्रशासन की मानी जानी चाहिए, जिसके लिए उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और मेरा यह साफ कहना है, जिस प्रकार से आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जिस प्रकार से पोटवारों को बुलाया गया है, जिस प्रकार से शिक्षकों को बुलाकर भीड़ की गई है, ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है और उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए इन झूठे प्रबंधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, जैसा कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं, तो इस सरकारी कार्यक्रम में उन्हें कांग्रेस को कोसने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और यदि वो कांग्रेस से कोस रहे हैं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये पूरा खर्चा सांवेर के प्रत्याशी के खर्चे में जुड़ना चाहिए, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। और जिन अधिकारियों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मदद की है इस पूरे कार्यक्रम के लिए, उसे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग मानते हुए उनके ऊपर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस लगना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सरकारी तंत्र और जनता के पैसों से ये दिखावा पूरी तरह से फर्जी है, और जो ये ताकत उनके द्वारा झूठी दिखाई जा रही है, इसे सांवेर के मतदाताओं का कोई लेना देना नहीं है। ये भीड़ आयातित है जो आसपास के क्षेत्रों से जबरदस्ती और पैसे देकर बुलाई गई है। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सांवेर से हटने से कोई रोक नहीं सकता।